जैसे ही ये जानकारी प्राप्त होती है कि अब जो नॉन लोकल्स हैं वो जम्मू कश्मीर में वोटिंग के अधिकार पा चुके हैं और अब वो वोट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में एक नेता को चुनने के लिए, उसके बाद प्रहार पर प्रहार जो है कश्मीर के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं सवालों की बौछार इस समय कर रही है। मेरे से कविंदर गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और लगातार महबूबा मुफ्ती पर तंज भी कसते रहे हैं उनकी सियासत को लेकर। कविंदर जी, वो तो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि आप यहाँ के लोगों को शक्तिहीन कर रहे हैं, डिसएम्पावर करो, डंडे के बल पर जम्मू कश्मीर में शासन करने। देखिए, ये सब किस लिए करना पड़ा? जब ये लोग सत्ता में थे, इन्होंने एक रीसेटलमेंट बिल लाया था जिसमें पाकिस्तान के नागरिक जो 1947 में यहाँ से चले गए हैं उनको बसाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से पैसे लेकर के यहाँ पर हालात ख़राब करें, पत्थरबाजी और यहाँ पर मिलिटेंसी लाएं, ये वो लोग हैं। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में, प्रजा परिषद के रूप में लगातार हमारा एक ही ध्येय था, एक ही नारा था, एक ही लक्ष्य था कि धारा 370 को हटाना है, जिसने पिछले 70 साल वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ को, गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को और अन्य कई समाज, उनको यहाँ पर वोट का अधिकार नहीं दिया अपने देश में रहते हुए। क्या ये ठीक था? ये अपने अंदर इनको झांकने की जरूरत है। ये आज भी सपनों में जी रहे हैं कि शायद धारा 370 यहाँ पर है, ये अब एक देश है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, और आपने 3-3, 4-4% वोट लेकर के लोगों को बाइकाट करवा करके अपनी सत्ता में आते थे। अब वो चीज़ चलने वाली नहीं है, सभी लोग वोट डालेंगे, सभी अपना नेता चुनेंगे अपनी विचारधारा के आधार पर, काम के आधार पर। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ईडी आपका अलायंस पार्टनर है। एक समय था कि आपने खुद महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी और उसके बाद गठबंधन जो था वो आपने सपोर्ट वापस ले लेते, लेकिन अब वो ईडी को आपका अलायंस पार्टनर बता रही है, कह रही है कि जो तमाम जांच एजेंसियां होती हैं उनके बलबूते पर आप सत्ता छीन लेते हैं, सत्ताधारी पार्टी। देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो लोग जिन्होंने इरेगुलरिटीज की हुई हैं अपनी सत्ता के समय में, तो वो खुलकर के सामने आ रही हैं। क्या करोड़ों रुपया आज जो लोगों के घरों से मिल रहा है ये ईडी ने रखा है? ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को लूटा है, समाज को लूटा है, और इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। ये कुछ भी कहें, लोग आज भी इस पर ये जो सरकार का इसलिए सहयोग करते हैं, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका कारण है कि इस प्रकार के लुटेरों को हमने ढूंढ कर निकाला है, और जो जनता का पैसा खाया है वो आज सामने आ रहा है। जो पाकिस्तान के गुण गाते थे उनसे पैसे लेकर के, आज उनको ईडी अगर एक्शन करती है तो कोई गलत नहीं है। आप तुलना कर रहे हैं लुटेरों के साथ जिनसे इस तरह का धन प्राप्त हुआ है, वो तुलना पूरी तरह से आपकी हिटलर के साथ करें कि भाजपा हिटलरदारी शासन जो है वो करने वाली है और उसी के तहत चल रही है। देखिए, जो डर उनको है जिन्होंने गलत कुछ किया होगा, जिन्होंने गलत कुछ किया नहीं किया है उनको डर नहीं है। ये इन लोगों को डर लगता है क्योंकि इनके तार आज भी पाकिस्तान के जुड़े हैं, इनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। पैसे लेकर के आज वहाँ पर पत्थरबाजी कश्मीर में नज़र नहीं आ रही, आज वहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद, हुर्रियत जैसे लोगों की, जो लोगों को भड़काते थे, आज उनकी आवाज़ बंद है। आज रोज़मर्रा के बंद नहीं होते, मिलिटेंट इनके राज में मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे और इनके द्वारा लाए जाते थे, आज क्यों बंद है? और ये कह रहे हैं कि आप बाहरी लोगों को ला रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों पर आपको विश्वास नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जनता आपको वोट करे। देखिए, ऐसा है, मैं अगर बाहर रहता हूँ, मैं 20 साल पंजाब में रहा हूँ, मेरे फादर की सर्विस वहाँ थी, हमारा वोट वहाँ पर बना हुआ था। ये हर भारत का नागरिक, ये संविधान में लिखा है, कहीं भी जो उसको अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को उसको यूज़ कर सकता है। वो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ना कि ये पाकिस्तान या कोई डिस्प्यूटेड, ये लोग इसलिए इनका दिमाग इस तरफ नहीं चलता, ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है वो हमारा हिस्सा है, इस चीज़ को उन्होंने सोचना होगा। लेकिन 25 लाख वोटर कहीं ना कहीं खल रहा है क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि 25 लाख वोटर हैं और 25 लाख वोटर सियासत बदल सकते हैं। और एक अहम प्रश्न इसके साथ जोड़ना चाहूंगी, सवाल ये भी उठ रहे हैं भाजपा पर कि अगर आपने इस तरह का एक प्रावधान लाना था, संशोधन करना था, तो आपने डोमिसाइल क्यों लाया, फिर उसमें 15 साल का जिक्र क्यों किया और यहां पर तो हर एक नागरिक को कहा गया। देखिए, नौकरी लेना और इस प्रकार के जो प्रावधान हैं ये हिमाचल प्रदेश में भी हैं, वो अपनी स्टेट की जनसंख्या के अनुसार है। यहाँ तक अधिकार है, वो भारत के संविधान ने अधिकार दिया है हर चीज़ को, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार। ये कोई जम्मू कश्मीर का अधिकार नहीं है, ये सभी जगह ऐसा अधिकार है। अगर सुरक्षा बल हमारी सीमाओं पर सुरक्षा करते हैं, हमारे लिए मिलिटेंसी से लड़ते हैं, वो अपने घर नहीं जा पाते, उनको यहाँ पर वोट का अधिकार क्यों नहीं? जो केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर आकर के काम करते हैं उनको
वोट का अधिकार क्यों ना हो, उनके बच्चों को वोट का अधिकार क्यों ना हो। इसी प्रकार से हम काम तो लेते हैं बाहर के मजदूरों से, लेकिन उनको वोट का क्यों अधिकार ना हो। आपके हर फैसले का विरोध है और हर फैसले का जवाब 370 है महबूबा मुफ्ती। देखिए, विरोध वो लोग करते हैं जिनकी सत्ता खिसकती जा रही है। आज ऑटोनॉमी वाले लोग और सेल्फ रूल वाले लोग, जिनकी विचारधाराएं अलग अलग हुआ करती थी, अलग अलग पार्टियां थी, आज वो इकट्ठे होकर के गुपकार गैंग के रूप में बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी ज़मीन खिसकती नजर आ रही है, तभी इकट्ठे हो रहे हैं। परिसीमन आयोग का गठन हुआ था और परिसीमन के बाद सियासी खेमे में हलचल थी, नई सियासी ज़मीन तैयार करने की बात यहाँ पर की जा रही थी और बहुत से ऐसे चेहरे थे जो ये कह रहे थे कि अब सियासी मैदान में नए तरीके से उतरना होगा, क्योंकि सीटें जो थी उनके साथ अलग अलग हलकों का जुड़ना और उसके बाद नई सियासत करना ये बहुत अहम था। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे ये तो अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उन चुनावों में वो वोटर ज़रूर आपको नजर आएंगे जो जम्मू कश्मीर के नागरिक ना होते हुए किसी अन्य राज्यों के होंगे और उनका ताल्लुका जम्मू कश्मीर से सीधा होगा, क्योंकि यहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, यहाँ पर एक सैनिक के रूप में सेवा दे रहे होंगे, यहाँ पर सैनिक बल के रूप में सेवा दे रहे होंगे, यहाँ पर व्यापार कर रहे होंगे, यहाँ पर नौकरी कर रहे होंगे, यहाँ पर ही वो श्रमिक के तौर पर मजदूरी भी कर रहे होंगे। आप ये मैं समझ नहीं, देखते थे न्यूज़ नॉलेज।